संजय सिंह जानना चाहते हैं आपसे पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। बिल्कुल 58 से सर। खरीदा हुआ है और एक साल का इनका नजरिया है, एक साल में क्या लक्ष्य रखें ये पूछ रहे हैं। अभी हफ्ते के पहले की बात है, ये डिस्कस हुआ था पटेल का, और जो सपोर्ट था उस सपोर्ट पे आ गया, वहां से ही मुड़ा गया। अब आपके लिए, आपने पूछा 1 ईयर टारगेट, देखिए सर ऐसा है कि ये भाई साहब जो हैं ये 13 रुपीज से सीधा गए हैं 62, बहुत लंबा गया है, तो कितना करेक्ट करेगा पता नहीं है, लेकिन आपके लिए वर्ड ऑफ कॉशन मेरे हिसाब से है क्लोज बिलो 49 या 48.85। इसके नीचे का क्लोज का मतलब वो 100 DMA टेस्ट करेगा कि 200, मुझे अभी तो आइडिया नहीं रहे, लेकिन क्लोज बिलो 48.75 या 48 या 49, मतलब थोड़ा मेजर करेक्शन इंडिकेट करेगा ये पटेल इंजीनियरिंग में समझ में आता है। और जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं हो सकता है, हो सकता है यहीं से बाउंसिंग कर जाए, तो इतने लंबे चाल के बाद क्या करेगा स्टॉक, वो स्टॉक जानेगा, लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन का जो लेवल है वो आपको से बता। जी संजय जी, फिर सीधी सीधी सी बात है कि अभी हाल का जो ये बॉटम बना है आपको यहाँ दिख भी रहा है, ये बॉटम बिल्कुल 50 डे मूविंग एवरेज पे बना है। ये 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ आपको ये बैंगनी रंग की पर्पल कलर की जो रेखा दिख रही है, इसी पर ये सपोर्ट बना है। अगर ये सपोर्ट रह जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं रहता है तो फिर वहाँ पर आपको अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 58 पे आपने ख़रीदा है ना, तो 10 रुपये का घाटा होगा, लेकिन फिर आपको मन मार करके वहाँ से निकलना पड़ेगा।